आज की वीडियो में आपको हरमन बवेजा की बीबी बॉय के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। हरमन बवेजा और उनकी वाइफ साशा रामचंदनी क्यूट से बेबी बॉय के पेरेंट्स बन गए हैं। हरमन बवेजा को हम सब जानते हैं, वो एक बहुत ही चार्मिंग और हैंडसम एक्टर हैं और वो अपनी इम्पेकेबल परफॉर्मेंस मूवी लव स्टोरी 2050 से फेम पर पहुंचे और उसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही गई और अब हरमन बवेजा ने एक्टिंग के बाद पेरेंटहुड की जर्नी में एंटर कर लिया है। जी हाँ, आपको बताते चलें, हरमन बवेजा और उनकी वाइफ जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन है, साशा रामचंदनी ने 2021 में शादी की थी। दोनों शादी के खूबसूरत बंधन में बंधे थे। दोनों काफ़ी समय एक दूसरे को डेट करते रहे और इस डेटिंग फेज को दोनों ने छुपा के भी खूब रखा। उसके बाद दोनों ने इंगेजमेंट की और फिर 2021 मार्च में दोनों ने शादी के खूबसूरत बंधन में बन गए और अब दोनों क्यूट से बेबी बॉय के पेरेंट्स बने हैं। इससे पहले भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी जिनमें बताया जा रहा था कि हरमन बवेजा और उनकी वाइफ साशा दिसंबर में पेरेंट्स बनने वाले हैं और अब आज दोनों एक खूबसूरत से बेटी के पेरेंट्स बन चुके हैं। ऑल्दो दोनों ने अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि दोनों ने बेबी बॉय के पेरेंट्स बन गए हैं। आपको बताते चलें, हरमन बवेजा इससे पहले प्रियंका चोपड़ा, बिपाशा बासु को भी डेट कर चुके हैं और वो काफ़ी समय तक बैचलर रहे हैं। बॉलीवुड के एक बहुत ही क्यूट एक्टर थे जिन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को डेट भी किया है और एट लास्ट शादी के खूबसूरत बंधन में बनने के बाद अब वो एक बेटे के पेरेंट बन गए हैं। वी विश अ वेरी हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ टू देयर बेबी और हम आशा करेंगे कि वो अपनी लाइफ में अपने बेटे की बहुत सारी खुशियाँ देखें और यूं ही अपने जीवन को हंसते मुस्कराते एक दूसरे के संग बिता दें। आपको हरमन बवेजा की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगती है और आप उनके बेबी बॉय के आने पर उनको क्या विशेष देंगे, हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा। हाय सर, हरमन सर, हेलो, सॉरी सर, आप गुड? लॉन्ग टाइम सर। यस आई नो, ऑल द वे देयर फॉर मेसी।